हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, दिस इज राबिया मंसूरी फ्रॉम रोजवुड पब्लिक स्कूल जैती। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सेकंड का चैप्टर नंबर सेकंड हल्दीज एडवेंचर पढ़ेंगे। उसकी स्टोरी जानेंगे कि वो हल्दीज एडवेंचर आखिर है क्या। तो उससे पहले हम देखते हैं कि हमने पिछले वीक अभी पिछले जो वीडियो में क्या पढ़ा था, वो था हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट पोयम फर्स्ट डे एट स्कूल। तो बच्चों, उस पोयम पर थोड़ा नज़र डालते हैं। वो क्या थी? वो एक बच्चा होता है जो सोचता है कि जब उसका स्कूल का पहला दिन होता है कि जब मैं जाऊंगा स्कूल तो जो बच्चों की ड्राइंग है वो क्या मेरे ड्राइंग की तरह होगी, मेरी ड्राइंग भी उतनी अच्छी होगी उन बच्चों की तरह, या और जो टीचर है वो मेरी मदर या फिर ग्रैंड मदर की तरह दिखाई देगी, या फिर जो मेरा डॉग है क्या वो मेरे जाने के बाद मुझे याद करेगा, क्या मुझे ढूंढेगा। तो वो ये थी उसकी फर्स्ट डे एट स्कूल की एक छोटी सी झलक। तो बच्चों, अब हम उसी यूनिट का चैप्टर नंबर सेकंड लर्न करेंगे, उसे पढ़ेंगे, वो है हल्दीज एडवेंचर। तो स्टार्ट करते हैं। वन मॉर्निंग एज हल्दी वॉक्ड टू स्कूल सी मेट अ जिराफ। एक सुबह जब हल्दी अपने स्कूल जा रही थी तो वो एक जिराफ से मिलती है। द जिराफ वर बिग ग्लासेस। जिराफ ने बड़े बड़े ग्लासेस यानी चश्मा पहन रखा था। एंड हेल्ड अ बुक इन हिज हैंड, और अपने हाथों में एक किताब पकड़ रखी थी। ही स्माइल्ड एंड सेड गुड मॉर्निंग हल्दी। वो स्माइल करता और बोलता है गुड मॉर्निंग हल्दी, सुप्रभात हल्दी। हल्दी लुक्ड अप एट हिम। हल्दी ऊपर देखती है उस और उसे देखती है। हल्दी अपनी गर्दन ऊपर उठाती है और उसे देखती है। आई एम सॉरी टू स्टेयर शी सेड, बट आई हैव नेवर मेट अ जिराफ लाइक यू। तो वो बोलती है कि आई एम सॉरी टू स्टेयर, कि स्टेयर बच्चों हमने देखो अभी जो फर्स्ट चैप्टर उसमें पढ़ा था फर्स्ट डे एट स्कूल में, स्टेयर मतलब होता है घूरना। तो कहती है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हें इस तरह से घूर रही हूँ, लेकिन आई हैव नेवर मेट अ जिराफ लाइक यू, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसे कभी एक जिराफ से नहीं मिली हूँ। माई नेम इज स्माइली सेड द जिराफ। तो जिराफ कहता है कि मेरा नाम स्माइली है। Whenever you see me, जब कभी भी तुम मुझे देखोगी, you will smile, तो तुम smile करोगी। हल्दी was surprised and happy too, तो हल्दी बहुत आश्चर्यचकित होती है, surprised होती है, surprise मतलब आश्चर्यचकित, and happy too और बहुत खुश होती है। Then she remembered, remember मतलब याद करना, याद आना, तो उसे एकदम याद आता है that she would be late for school, कि वो अपने स्कूल के लिए लेट हो रही है। So सी सेड टू द जिराफ, तो वो जिराफ से बोलती है आई वुड लव टू टॉक टू यू बट आई मस्ट रश टू स्कूल और आई विल बी लेट। तो वो बोलती है कि मुझे तुमसे बात करने में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है, लेकिन आई मस्ट रश टू स्कूल और आई विल बी लेट। लेकिन मुझे क्या है बच्चों, रश का मतलब होता है जल्दी से जाना, लेकिन मुझे अपने स्कूल जल्दी से जाना पड़ेगा वरना मैं लेट हो जाऊंगी। द जिराफ सेड, तो जिराफ बोलता है नॉट इफ यू राइड ऑन माई बैक, नहीं तुम लेट नहीं होगी यदि तुम मेरे कमर पर ऑन माई बैक मेरे कमर पर चढ़ो और मेरे कमर पर बैठ के चलो। इफ यू क्लाइम ऑन माई बैक, तुम यदि मेरी कमर पर चढ़ जाओ और मेरे साथ चलो। आई विल रन सो फास्ट दैट यू विल फील यू आर फ्लाइंग टू स्कूल। मैं बहुत तेज दौड़ता हूँ, मैं बहुत तेज दौड़ता हूँ, दैट यू विल फील यू आर फ्लाइंग टू स्कूल, और तुम महसूस करोगी कि तुम उड़कर स्कूल पहुँच गई, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। डू यू गो टू स्कूल एवरी डे, तो वो उससे पूछता है क्या तुम स्कूल प्रतिदिन जाती हो। तो यस सेड हल्दी, तो हल्दी कहती है कि हाँ मैं आई गो टू स्कूल ऑन मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे, ऑन सैटरडे आई विल बी प्ले गेम्स एट स्कूल। तो हल्दी कहती है कि हाँ मैं रोज स्कूल जाती हूँ, मंडे को ट्यूसडे को वेडनेसडे को थर्सडे को और फ्राइडे को भी, और सैटरडे को मैं अपने स्कूल में गेम खेलती हूँ। व्हाट डू यू डू इन स्कूल आस्क द जिराफ, तो जिराफ पूछता है कि तुम स्कूल में जाकर क्या करती हो। तो वो बोलती है आई लर्न अबाउट द स्टार्स द ट्रीज एंड द बर्ड्स एंड द एनिमल्स। तो बोलती है कि मैं स्कूल में जाकर तारों के बारे में, पेड़ों के बारे में, पक्षियों के और जानवरों के बारे में पढ़ती हूँ, याद करती हूँ। दैट इज गुड सेड द जिराफ, तो जिराफ बोलता है ये तो बहुत अच्छी बात है। आई लव बुक्स टू, मैं भी बहुत बुक्स पढ़ना बहुत पसंद करता हूँ। दे आर लॉट्स ऑफ फन,
ये बहुत फन से भरी होती है, ये बहुत अच्छी होती है। नाउ जम्प ऑन माई बैक, आई विल टेक यू टू स्कूल। वो कहता है कि अब चलो मेरे कमर पर बैठ जाओ और मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ। हल्दी देन जम्प्ड ऑन द जिराफ्स बैक। तो हल्दी उसके बैक पर चढ़ती है, उसके बैक पर कमर पर बैठ जाती है एंड फाउंड दैट सी कुड सो मैनी थिंग्स फ्रॉम द टॉप टॉप। तो वो देखती है, वो पाती है कि सी कुड सी सो मैनी, सी मतलब देखना, सो मतलब बहुत, सो मैनी मतलब बहुत सारी चीजें। तो जब वो उसकी कमर पर बैठती है तो वो देखती है कि वो तो उसके कमर पर बैठ के बहुत सारी चीजें देख पा रही है टॉप से यानी ऊंचाई से। एंड बिफोर सी न्यू इट सी हैड रीच द स्कूल। इससे पहले कि वो और कुछ समझ पाती, कुछ जान पाती, तो वो देखती है कि वो स्कूल अपने प्लेग्राउंड में पहुंच चुकी है। सी क्लाइम डाउन, वो नीचे उतरती है। व्हेन सी टर्न्ड बैक टू थैंक द जिराफ, और जैसे ही वो पीछे मुड़ने मुड़ती है जिराफ को थैंक यू कहने के लिए, सी फाउंड दैट ही हैड गॉन गॉन अवे। तो वो देखती है कि जिराफ वहां से जा चुका होता है। तो बच्चों, ओह हल्दी थॉट व्हाट अ वंडरफुल एडवेंचर आई हैव हैड। तो हल्दी कहती है कि क्या बहुत ही जोखिम, मतलब बहुत ही अच्छा एडवेंचर था जो आज मैंने देखा, और उसके बारे में सोचने लगती है। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की स्टोरी, द हल्दीस हल्दीस एडवेंचर। तो बच्चों, अब देखते हैं आज इसके न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स है हमारा जिराफ। जिराफ एक बहुत जीवार जिराफ जो कि एक जानवर है जिसके बहुत लंबी गर्दन होती है, उसकी जीभ भी उतनी लंबी होती है। फिर है सरप्राइज। सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्यचकित। एडवेंचर, एडवेंचर का मतलब जोखिम या फिर आप कोई खतरनाक या फिर कोई बड़ा काम बोलते हैं। जैसे वंडरफुल मतलब बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छा। प्लेग्राउंड यानी खेल, आपके स्कूल में होता है प्लेग्राउंड यानी मैदान, खेलने बच्चों के लिए खेलने के लिए मैदान जो बने होते हैं। तो ये थे न्यू वर्ड्स। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन। रीडिंग इज फन। पहला क्वेश्चन हमारा, वेयर वॉज हल्दी गोइंग। हल्दी कहाँ जा रही थी? हल्दी अपने स्कूल जा रही थी। व्हाई डिड हल्दी स्टेयर एट द जिराफ। क्वेश्चन सेकंड है हमारा कि हल्दी जिराफ को ऐसे क्यों घूर रही थी, क्योंकि उसने कभी किसी ऐसे जिराफ को, या आपने कभी देखा, आपने भी कभी देखा नहीं होगा कि ऐसे कोई जिराफ ग्लासेस पहने हुए और हाथ में कोई बुक पकड़े हुए, तो वो भी इसी वजह से उसे घूर रही थी। हाउ डिड सी रीच स्कूल, वो अपने स्कूल कैसे पहुंचती है, जिराफ की बैक पर चढ़ के। तो बच्चों, ये आज के हमारे क्वेश्चन थे और ये आज की हमारी स्टोरी थी हल्दी एडवेंचर। तो आज का आपका, तो बच्चों आपका आज का जो होमवर्क है, आज का आपका होमवर्क है ये, आपको वर्ड्स मीनिंग लिखने हैं, क्वेश्चन आंसर लिखने हैं, और ये आज आपको इस वीडियो को, इस लेसन को पहले पढ़ना है, इस लेसन को पहले समझना है, फिर इसके क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करना है। कल फिर हम नेक्स्ट डे इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे कि आपने करेक्ट किए हैं या नहीं किए हैं, उसे मैच करेंगे। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा, राइट डाउन द न्यू वर्ड्स विथ हिंदी मीनिंग। आपको यहाँ पर जो न्यू वर्ड्स वहाँ दिए गए हैं उनको यहाँ पर लिखना है और उसकी मीनिंग भी लिखनी है जो अभी मैंने बताई है। फिर आपका क्वेश्चन, गिव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको इन क्वेश्चन आंसर आंसर क्वेश्चन के आंसर देने। पहला क्वेश्चन हमारा, वेवर हल्दी हल्दी गोइंग, जो आपको मैंने अभी बताए। तो बच्चों, ये हमारे क्वेश्चन है, व्हाई डिड हल्दी स्टेयर एट द जिराफ, हाउ डिड सी रीच स्कूल। तो बच्चों, ये तीन क्वेश्चन है, आपको इसके आंसर अपने मन से लिखने हैं। फिर हमारा देखिए, लेट्स कलर। फिर हमारा, फाइंड द शेप्स एंड कलर देम। तो आपको यहाँ पर देखिए, ये एक पिक्चर दी गई है स्नेक की, और इस स्नेक में आपको यहाँ पर तीन तरह की शेप्स दिखाई दे रही हैं, और आपको उन शेप्स में देखिए, यहाँ पर ट्रायंगल में, यहाँ पर ये सर्कल में, और ये जो शेप है, इस शेप्स में, तीनों शेप्स में ये वाले कलर जो यहाँ दिए गए वहाँ, यो आपको ये शेप्स जो हैं, इन शेप्स में ये कलर करना है और इस स्नेक को कलरफुल बनाना है, कंप्लीट करना है। तो बच्चों, ये आपका आज का होमवर्क है। तो जहाँ तक है, उम्मीद आपको आज ये स्टोरी समझ आई होगी। कल फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करेंगे। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।